बच्चों न्यूमेरिकल देखिए, टू चार्जेज 5 × 10⁻¹⁸ कूलम एंड −3 × 10⁻¹⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपान। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। इसका मतलब समझिए क्या है बच्चों, दो चार्जेज हैं है ना, और दोनों चार्जेज 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो हम ये दो चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला चार्ज सपोज दैट Q1 है और ये वाला चार्ज Q2, और दोनों के बिटवीन सेपरेशन है बच्चों 16 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर दोनों चार्जेज के बीच में। अब Q1 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है और ये है बच्चों 5 × 10⁻¹⁸ कूलम, Q2 की वैल्यू है −3 × 10⁻¹⁸ कूलम, ठीक है। और अपने को बताना है एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। बच्चों अपने को इस लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज मींस इस लाइन पर ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो। अब ये क्वेश्चन करने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे मान के चलो कि यहां पर दो चार्जेज हैं, ये वाला चार्ज है बच्चों Q1 और ये वाला चार्ज है Q2, और दोनों की नेचर सेम है, सपोज दैट दोनों की नेचर पॉजिटिव है। तो अगर दोनों की नेचर पॉजिटिव है तो दोनों का पोटेंशियल जो आएगा बच्चों वो पॉजिटिव आएगा, है ना। चार्ज पॉजिटिव होता है तो पोटेंशियल भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सपोज दैट यहां पर कोई पॉइंट है कि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पहले चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, सेकंड चार्ज के कारण भी पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर इस पॉइंट पर हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा V1 + V2। और अगर दोनों ही पोटेंशियल पॉजिटिव है तो हम जब नेट निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कभी भी जीरो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर दोनों चार्जेस की नेचर सेम है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर दोनों नेगेटिव भी हो सकती है, तो कभी भी नेट पोटेंशियल की वैल्यू उनके कारण जीरो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें तो यहाँ नेट पोटेंशियल जीरो लेके आना बच्चों, ऐसा तभी पॉसिबल है जब इनमें से कोई भी एक चार्ज पॉजिटिव हो और कोई भी एक चार्ज नेगेटिव हो, मतलब इनकी नेचर अपोजिट होनी चाहिए। अगर दो चार्जेस की नेचर अपोजिट है तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो पॉसिबल है, क्योंकि एक के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा और एक के कारण नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि अगर हम दो चार्जेस के कारण नेट पोटेंशियल जीरो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों चार्जेस की नेचर अपोजिट होगी, उनमें से कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा और कोई एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब आगे देखिए, इतना तो अपने को पता है कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव क्वेश्चन में गिवन है और ये वाला नेगेटिव गिवन है, मतलब यहाँ नेट पोटेंशियल जीरो पॉसिबल है। इतनी बात तो क्लियर है, अपोजिट नेचर है दोनों की तो नेट पोटेंशियल जीरो पॉसिबल है। लेकिन अब वो लोकेशन क्या होगी बच्चों, ये पूरी लाइन है ना, अब इस पर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इस लाइन पर कहीं पे भी हो सकता है, दोनों चार्जेस के बीच में हो सकता है, इस चार्ज के लेफ्ट साइड में हो सकता है, इस चार्ज के राइट साइड में हो सकता है। हमें वो लोकेशन पता करनी है जहां नेट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। तो इसके लिए अपने को क्या करना है बच्चों, सोचना ध्यान से कि दोनों की चार्जेस की नेचर अपोजिट है, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल आ जाए, दोनों के कारण जो पोटेंशियल आएगा बच्चों V1 और V2, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल आ जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए और दोनों की नेचर अपोजिट है ही, तो दोनों के पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। तो ऐसा कहां कहां पॉसिबल है, तो बच्चों ये दो सिचुएशन में पॉसिबल होता है। एक तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां नेट पोटेंशियल जीरो होगा। सेकंड, ये जो लोअर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड देखने माइनस साइन कंसीडर नहीं करना, लोअर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज यहाँ पे कितना है बच्चों 3 × 10⁻¹⁸ कूलम, तो इसके पास में होगा, इसके पास में मतलब इधर कहीं पे होगा, ठीक है, छोटा मैग्नीट्यूड वाला जो चार्ज है उसके पास में होगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन में नेट पोटेंशियल जीरो पॉसिबल है, या तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पॉसिबल होगा, या फिर छोटा वाला जो चार्ज है उसके पास में नेट पोटेंशियल जीरो होगा। इधर कभी भी नेट पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों यहाँ पे चार्ज ज्यादा है और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q1/R। अगर यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया तो उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, चार्ज ऑलरेडी ज्यादा है, डिस्टेंस कम हो गई तो पोटेंशियल और ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाला मैग्नीट्यूड कभी भी इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल पॉसिबल
नहीं हो पाएगा। इसी वजह से अगर दो चार्जेज अपने पास है और हमें नेट पोटेंशियल जीरो करना है तो नेट पोटेंशियल जीरो दो केस में होगा। तीनों कंडीशन ध्यान से सुननी है आपको। पहली केस है कि बच्चों दोनों चार्जेज की नेचर अपोजिट होनी चाहिए तो ही नेट पोटेंशियल जीरो पॉसिबल है। दोनों चार्जेज की नेचर कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि वो जो जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा वो या तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा वहीं पे, और इसके साथ साथ एक लोअर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास में होगा। ठीक है, तो एसेंशियल कंडीशन क्या क्या होगा यहाँ पे। पहली कंडीशन नेचर ऑफ बोथ चार्जेज शुड बी अपोजिट। बच्चों दोनों चार्जेज की नेचर क्या होनी चाहिए? अपोजिट। और अगर अपने को पॉइंट लोकेशन बतानी है ना, लोकेशन ऑफ पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज जीरो। तो ये दो, यहाँ पे दो लोकेशन पॉसिबल होंगी। एक तो क्या कहेंगे बच्चों, बिटवीन द चार्जेज, बिटवीन द चार्जेज, और सेकंड क्या होगा बच्चों, नियर द चार्ज ऑफ लोअर मैग्नीट्यूड। तो दो सिचुएशन में पॉसिबल होगा। एक तो बच्चों दोनों चार्जेज के बीच में कहीं ये पोटेंशियल जीरो हो सकता है, या फिर जो लोअर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके पास में पोटेंशियल जीरो है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो केस पॉसिबल होंगे, एक तो अंदर कहीं पे होगा और एक बाहर कहीं पे होगा। तो हम लोग केस नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। और केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या कंसिडर किया कि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ था अपना वही Q1, मतलब 5 × 10⁻¹ कूलम। यहाँ पे रखा हुआ बच्चों −3 × 10⁻¹ कूलम। टोटल डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट है P जहां नेट पोटेंशियल जीरो है, और ये अपने फर्स्ट चार्ज से ना स्मॉल x डिस्टेंस पे है। टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 − x सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं बच्चों, लेट P बी द रिक्वायर्ड पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो। ये हमने कंसीडर कर लिया बच्चों कि P अपना वो रिक्वायर्ड पॉइंट है जहां नेट पोटेंशियल जीरो है। अब इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कौन कौन से चार्जेस बनाएंगे, तो बच्चों P पॉइंट पर एक तो पोटेंशियल Q1 चार्ज के कारण आएगा और एक पोटेंशियल Q2 चार्ज के कारण आएगा। और नेट पोटेंशियल जीरो है तो Q1 चार्ज का पोटेंशियल प्लस Q2 चार्ज का पोटेंशियल ये जीरो आएगा। तो अपन क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे बच्चों कि V1 मतलब Q1 चार्ज के पोटेंशियल प्लस V2 Q2 चार्ज का पोटेंशियल, टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बच्चों K Q1/R1। ठीक है, K Q1/R1। तो पहला जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है बच्चों 5 × 10⁻¹ कूलम अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर होता है। तो इस चार्ज के कारण हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, कितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट की, एक्स, तो नीचे हो जाएगा एक्स प्लस K Q2/R2। तो बच्चों के बाद ये वाला चार्ज है −3 × 10⁻¹ अपॉन, इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, 16 − x = 0। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना है इसको, तो हम के कॉमन ले लेते हैं, power 10⁻¹ भी कॉमन आ जाएगी, तो अंदर कितना बचेगा 5 / x माइनस के बाहर आ चुका, 10⁻¹ बाहर आ चुका, तो −3 / 16 − x = 0। अब बच्चों देखिए ये दो टर्म है, एक तो ये वाली टर्म, एक तो ये वाली क्वांटिटी है और एक ये वाला फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। अब बच्चों ये तो कांस्टेंट है K × 10⁻¹, ये तो जीरो हो नहीं सकता, फिर भी आंसर की वैल्यू जीरो आ रही है, तो डेफिनेटली वाला फैक्टर जीरो होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे यहां से, 5 / x − 3 / 16 − x = 0। यहां से अपने को x की वैल्यू निकाल दी है, तो वहां से हमें लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, लोकेशन ऑफ द पॉइंट पता चलेगा। तो बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 5 / x = इसको हमने उधर ट्रांसफर कर दिया तो हो जाएगा 3 / 16 − x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से आ जाएगा 3x = 5
और अंदर हो जाएगा बच्चों 16 माइनस एक्स, तो देखिए कितना होगा 3x इज इक्वल टू 80 हो गया माइनस 5x, 5x इधर आ जाएगा तो मिलेगा बच्चों 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 80, मतलब ये हो गया 8x इज इक्वल टू 80, बट हमें तो x चाहिए, तो x कितना हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर, मतलब जो पॉइंट P होगा वो जो पॉजिटिव चार्ज है Q1 5×10⁻¹ कूलम, उससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। कितनी डिस्टेंस पे होगा? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ये वाली चीज क्लियर हो गई, लेकिन ये तो केस नंबर फर्स्ट है बच्चों। हमने आपको बताया था कि अगर पोटेंशियल जीरो है तो एक और पॉसिबिलिटी है, और वो कहां है? नियर द चार्ज ऑफ लोअर मैग्नीट्यूड, और ये दोनों ही लाइन जॉइनिंग पे होंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने इन बिटवीन वाला किया है, अब सेकंड केस भी करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। अब बच्चों देखिए, अपने को डिस्कस करना है केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो अपना चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल लोअर मैग्नीट्यूड वाले के लोअर मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है वहां पे उसके पास में पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी लोकेशन क्या होगी, कितनी डिस्टेंस पे होगा, वो चीज भी अपने को एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो बच्चों उसके लिए हमने क्या किया, देखिए केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड वही फॉर्मेट है। यहां पे चार्ज Q1 है, Q1 चार्ज की वैल्यू है 5×10⁻¹ कूलम। बच्चों यहां पे चार्ज Q2 है, इसकी वैल्यू है -3×10⁻¹ कूलम। दोनों के बिटवीन सेपरेशन 16 सेंटीमीटर है ना। और हमने ये कंसीडर कर लिया कि यहां से एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी की लोकेशन है बच्चों एक्स। कितनी है? एक्स, मतलब Q2 चार्ज है ना एक्स डिस्टेंस पे, अपना वो पॉइंट है जहां नेट पोटेंशियल जीरो, ठीक है। और ये लोअर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास में होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, लेट पी बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, लेट पी द रिक्वायर्ड पॉइंट वेयर नेट पोटेंशियल इज जीरो, वेयर नेट पोटेंशियल इज जीरो। हमने कंसीडर कर लिया बच्चों कि पी एक ऐसा पॉइंट है जहां नेट पोटेंशियल जीरो है। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल कौन कौन से चार्ज बनाएंगे, एक तो क्यू वन चार्ज के कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर क्यू टू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालेंगे, और फिर हम दोनों को एड कर देंगे, टोटल जीरो आना चाहिए। तो देखो कितना मिलेगा, यहां पे आएगा बच्चों V1 + V2 इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले इस वाले Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालिए, तो कितना हो जाएगा, K क्योंकि वैल्यू है 5×10⁻¹ अपॉन R। R होता है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस कितनी हो गई, 16, तो यहां तक x यहां तक, तो टोटल कितना हो जाएगा 16+x सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस K Q2। Q2 कितना है, -3×10⁻¹ डिवाइडेड बाई, अब की बार डिस्टेंस कितनी है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही के कॉमन, 10⁻¹ कुल 8 कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों 5/16+x - 3/x इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये वाला फैक्टर तो जीरो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली इस वाली टर्म को जीरो होना पड़ेगा, तो 5/16+x - 3/x इज इक्वल टू जीरो। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये मिलेगा बच्चों 5/16+x - 3/x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा बच्चों, उधर ट्रांसफर करेंगे इसको, अच्छा ये तो रिपीट हो गया ना, तो हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, है ना, ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसको हमने उधर ट्रांसफर कर दिया तो पॉजिटिव हो गया। अब ऐसा करें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना मिलेगा 5x = 3×16+x, तो ये आ जाएगा 5x = ये कितना हो जाएगा बच्चों 48+3x, है ना, 3x इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x - 3x = 48, मीन्स 2x = 48, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 24 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आई 24 सेंटीमीटर, मतलब जो पॉइंट P होगा वो इस Q2 चार्ज से 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और अगर Q1 के रेस्पेक्ट में बताना चाहे, क्योंकि पहले हमने Q1 के रेस्पेक्ट में ही बताइए,
तो अगर क्यू वन के रेस्पेक्ट में बताना चाहें तो क्या कहेंगे, सो पॉइंट पी, पॉइंट पी लाई एट डिस्टेंस, तो क्यू वन के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बच्चों 16, तो यहां से लेके यहां तक 24 यहां तक, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 प्लस 24 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सो पॉइंट पी लाई एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज 5×10⁻¹ कूलम। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस अपने को पता चल गई कि जो पॉइंट पी होगा जहां नेट पोटेंशियल जीरो होगा वो इस Q1 चार्ज से बच्चों 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा, Q1 चार्ज से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो दो केस ऐसे पॉसिबल हैं, दो सिचुएशन ऐसी पॉसिबल है जहां पे नेट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो पॉसिबल है, दोनों सिचुएशन हमने कर ली। ये है बच्चों अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक ऐसा ही एग्जांपल है एक एनसीईआरटी एग्जांपल 2.2। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपल 2.2 एडिटिंग है, बस थोड़ा डेटा चेंज हुआ है। उसमें देखिए क्या है, एक बार क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे चलेंगे, और वो भी हम इसी में पैरेलल कर लेते हैं क्योंकि एज इट इज है, वैल्यू चेंज हुई है, बाकी कॉन्सेप्ट एज इट इज है बच्चों। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल में देखिए बच्चों क्या है, 2 चार्जेज 3×10⁻¹ कूलम एंड −2×10⁻¹ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। एज इट इज क्वेश्चन है, ओनली चार्ज की वैल्यू चेंज हुई है और डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई है, तो यहाँ बच्चों अपने को उस पॉइंट की लोकेशन बतानी है जहां नेट पोटेंशियल जीरो होगा। हमने बताया था दो केस पॉसिबल होते हैं, दोनों चार्जेस के बीच में पॉसिबल है और एक छोटे वाले चार्ज के पास में पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है बच्चों, दो चार्ज है, फर्स्ट चार्ज की वैल्यू है 3×10⁻¹ कूलम, इसको हम बोल देते हैं चार्ज नंबर Q1। यहाँ पे चार्ज Q2 रखा हुआ है, इसकी वैल्यू है −2×10⁻¹ कूलम। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है बच्चों 15 सेंटीमीटर, और हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट P है और पॉइंट P इस पॉजिटिव चार्ज से x डिस्टेंस पे है, टोटल 15 सेंटीमीटर है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी 15 − x सेंटीमीटर। ठीक है, ये 15 − x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से बच्चों, हम क्या कहेंगे, लेट पी बी द रिक्वायर्ड पॉइंट वेयर नेट पोटेंशियल इज जीरो। हमने कंसीडर किया बच्चों कि पी एक ऐसा पॉइंट है जहां नेट पोटेंशियल जीरो है, मतलब Q1 चार्ज के कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकाले मीन्स V1, फिर Q2 चार्ज के कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकाले V2, इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्टेंट आंसर कितना आएगा जीरो। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले हम Q1 चार्ज के कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालते हैं, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों K Q1 / K Q/R होता है, तो चार्ज कितना है 3×10⁻¹ r होता है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है x, प्लस इसी तरीके से इस चार्ज के कारण निकालेंगे KQ/R से, तो K Q की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और डिस्टेंस कितनी हो तो चार्ज और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में 15 − x और टोटल पोटेंशियल जीरो है, तो हमने इक्वल टू जीरो कर दिया। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लिया, K कॉमन है, −8 कॉमन है, अंदर कितना बचा बच्चों 3/x माइनस यहां से आएगा 2/15 − x इज इक्वल टू जीरो। अब यहां दोनों फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, अब ये कॉन्स्टेंट है जीरो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली इस वाले फैक्टर को जीरो होना पड़ेगा, तो ये मिलेगा 3/x −2/15 − x इज इक्वल टू जीरो। ट्रांसफर करते हैं उधर इसको, 3/x इज इक्वल टू 2/15 − x। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 − x 3 15 − x, तो ये मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू इधर से अंदर मल्टीप्लाई किया बच्चों तो कितना हो जाएगा 45 − 3x।
3x इधर आएगा, तो 2x plus 3x is equal to 45, means यहां से 5x is equal to 45, then x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, 9 सेंटीमीटर, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, so point P lie at distance 9 सेंटीमीटर from positive charge, और वो positive charge की value कितनी है, 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb on, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया बच्चों, so point P lie at distance 9 centimeter from positive charge, 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb, ऐसा भी बोल सकते हैं towards Q2, है ना, क्या बोल सकते हैं बच्चों आगे, towards Q2, ये जो Q2 चार्ज है ना उसकी तरफ है, देखो पॉइंट Q1 इस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से 9 सेंटीमीटर, तो इधर भी हो सकता है, लेकिन उधर इधर वाला नहीं लिया हमने ना, जो Q2 की तरफ है ना वो 9 सेंटीमीटर हमने लिया है, तो मतलब यहां पे उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन ये तो केस फर्स्ट ही हुआ है। अब एक और केस पॉसिबल है ना, कि जो लोअर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके पास में नेट पोटेंशियल जीरो पॉसिबल है, तो लोअर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज कितना है यहां पे, ये वाला Q2, तो Q2 के पास में भी तो नेट पोटेंशियल जीरो है, तो केस नंबर सेकंड वो बन जाएगा। पहले आप इसको यहां तक कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए अब केस नंबर सेकंड में क्या होगा बच्चों, जैसे यहां पर वही डायग्राम है एज इट इज, ये वाला चार्ज है Q1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम, ये वाला चार्ज है Q2 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम, दोनों के बिटवीन सेपरेशन 15 सेंटीमीटर। अब की बार हमने कंसीडर किया बच्चों कि यहां से स्मॉल x डिस्टेंस पे कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P जहां नेट पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, लेट पी बी द पॉइंट वेयर नेट पोटेंशियल इज जीरो। हमने कंसीडर किया कि बच्चों पी एक ऐसा पॉइंट है जहां नेट पोटेंशियल कितना है, जीरो, ठीक है, और कितनी डिस्टेंस पे मान लिया हमने उसको, x डिस्टेंस पे, Q2 चार्ज से x डिस्टेंस पे है, तो Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल निकाले, फिर Q2 चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल निकाले, तो दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। तो सबसे पहले तो अपन Q1 चार्ज के कारण निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 अपॉन R1, तो बच्चों Q1 चार्ज की वैल्यू है 3 into 10 raised to power minus 8 divided by distance, Q1 चार्ज की ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है 15 प्लस एक्स प्लस यहां पे आ जाएगा K, सेकंड चार्ज कितना है माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन इसकी डिस्टेंस है बच्चों x इज इक्वल टू 0, तो यहां से कॉमन आएगा K इंटू 10 टू पावर माइनस 8, तो यहां पे कितना है बच्चों 3 अपॉन 15 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, तो बच्चों उस फैक्टर को जीरो के इक्वल करेंगे 3 अपॉन 15 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको ट्रांसफर कीजिए इधर, तो यह आ जाएगा 3 अपॉन 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों इसको, तो 3x इज इक्वल टू इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2x, 2x इधर आ जाएगा बच्चों तो कितना मिलेगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 30, मींस x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई बच्चों अपने पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है, x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आई, तो x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर होगी, लेकिन अगर Q1 के रेस्पेक्ट में बताना चाहें इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस, तो टोटल कितनी हो जाएगी 15 प्लस 30 बोले तो 45 सेंटीमीटर, तो अपन क्या कहेंगे, सो पॉइंट पी लाई एट डिस्टेंस 30 प्लस 15, है ना, 15 तो ये वाली हो गई प्लस 30, और इसको हम कितना बोल सकते हैं बच्चों 40
5 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू वन, और क्यू वन चार्ज कितना है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम ऑन राइट साइड, ऑन राइट साइड। तो क्यू वन चार्ज के राइट साइड में, क्यू वन चार्ज के राइट साइड में 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी होगा, जहां नेट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? जीरो। तो इसी के साथ ये अपना न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म होता है। अब हम अगला न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रो कूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन कुछ इस तरीके से है, और इसकी जो साइड है बच्चों कितनी है 10 सेंटीमीटर। हेक्सागन में जो टोटल साइड होती है वो कितनी, सारी साइड कितनी होती है बच्चों? इक्वल होती है ना, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। हमें इसके सेंटर पे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेंटर को हम ओ पॉइंट से नाम डाल देते हैं, ये सेंटर ओ है। हमें पॉइंट ओ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है? साइड की वैल्यू है बच्चों 10 सेंटीमीटर। साइड की वैल्यू कितनी है, ए से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि साइड ए कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 या फिर मल्टीप्लाई विद -2, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? मीटर में। बच्चों आगे क्या गिवन है? 5 माइक्रो कूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। इसके हर वर्टेक्स पे 5 माइक्रो कूलम का चार्ज भी रखा हुआ है, ठीक है। तो हम नाम डाल देते हैं ये वाला पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसके हर पॉइंट पर कितना चार्ज रखा हुआ बच्चों? 5 माइक्रो कूलम यहां पर है, 5 माइक्रो कूलम यहां पे है, 5 माइक्रो कूलम चार्ज यहां पे है, 5 माइक्रो कूलम यहां पर है, और 5 माइक्रो कूलम यहां पर। हर पॉइंट पे चार्ज कितना रखा हुआ है? हर पॉइंट पे बच्चों 5 माइक्रो कूलम का चार्ज यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। और अपने को कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, है ना, ये जो चार्ज अपने को गिवन है क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी क्यू ई क्यू एफ इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम। इसको हम कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, ये चार्जेज अपने को गिवन है, ठीक है। हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट ए पर ओ पर, तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसके कारण पॉइंट ओ पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ उसके कारण पॉइंट ओ पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर सी वाले के कारण निकालेंगे, फिर डी के कारण निकालेंगे, फिर ई के कारण और फिर एफ के कारण। और इस पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल आएगा उसके लिए हम सभी को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालते हैं, ये वाला चार्ज यहां पर बनाएगा, ये चार्ज बनाएगा, इसी तरीके से सारे चार्जेस पॉइंट पर पोटेंशियल बनाएंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, लास्ट में सभी को ऐड कर देंगे। एल्जेब्रिक एडिशन होगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सभी का एल्जेब्रिक एडिशन कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों कैसे करें? सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वी ए। क्या कैलकुलेट करें बच्चों? वी ए, और वी ए को हम कैसे बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज प्लस 5 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर जो प्लस 5 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है उसके कारण हम पॉइंट ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बच्चों नोटेशन हो जाएगा उसका वी ए, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों क्यू की वैल्यू कितनी है? के क्यू अपॉन आर है ना, तो क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय आर। आर होती है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। तो हेक्सागन की प्रॉपर्टी जानते हैं बच्चों हम कि जितनी उसकी साइड होती है ना उतनी ही वर्टेक्स और सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है। तो साइड है 10 सेंटीमीटर, तो वर्टेक्स और सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी बच्चों? 10 सेंटीमीटर। ये सारी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर की हो गई तो यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों? 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी ए कितना हो जाएगा?
वी हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 10 टू द पावर 9, फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू इतनी होती है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई पावर 1 पावर माइनस 2, तो कितनी हो जाएगी पावर माइनस 1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो VA की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, VA की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 9 इंटू 5, टोटल कितना हो गया 9 इंटू 5, टोटल हो जाएगा बच्चों 45, कितना हो जाएगा बोलो 45। ठीक है, अब आगे देखिए पावर 9 यहाँ पे है, नीचे वाली एक पावर ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगी तो पावर 10 हो गई, यहाँ पे पावर माइनस 6 है तो कितना हो जाएगा पावर 4। ठीक है, ये पावर 4, ये हमने VA की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और आंसर आएगा बच्चों वोल्ट में, किसमें आएगा वोल्ट में। लेकिन अपने को तो बच्चों नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो VB के कारण भी निकालेंगे, VC के कारण भी निकालेंगे, VD के कारण भी निकालेंगे और लास्ट में सभी को एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। लेकिन एक बात अपने को पता है बच्चों, हर चार्ज की वैल्यू सेम है, ए पॉइंट पे जितना चार्ज है उतना ही बी पे है, उतना ही सी पर है, उतना ही डी पर, उतना ही ई पर, डिस्टेंस भी सभी की इक्वल है, चार्ज इक्वल डिस्टेंस इक्वल, तो बच्चों डेफिनेटली पोटेंशियल भी सभी का इक्वल आएगा, है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं। सो सिमिलरली वी बी इज इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू वी ई इज इक्वल टू वी एफ, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा अपने पास 45 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, ये जो सेंटर है ना इस पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू, है ना, ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 इंटू वी ए, ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि हम 6 टाइम इसको एड करेंगे ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी ई प्लस वी एफ, तो बच्चों ये सारे इक्वल हैं, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू 6 इंटू वी ए, सभी इक्वल है, वी ए प्लस वी ए 6 टाइम हो जाएगा तो 6 इंटू वी ए लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 10 टू द पावर 4। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, वी इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30, ठीक है, तो कितना मिला बच्चों 270 और इंटू 10 टू द पावर 4 इतना मिलेगा। अब हम ऐसा करते हैं बच्चों, इस डेसिमल को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो अभी तो 270.0 है तो डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो कितना हो जाएगा 2.70 और पावर प्लस 2 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा टोटल पावर 6 और आंसर आ जाएगा बच्चों वोल्ट में। ठीक है, इस V को V से कैंसिल नहीं करना है क्योंकि ये V क्या है बच्चों, ये V पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल को, और ये वाला जो V है ये इसकी यूनिट है वोल्ट। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल सेंटर पे कितना आया 2.70 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट, तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इस तरीके के सारे न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसके न्यूमेरिकल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती, आप सभी का इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट करिए और लास्ट में सभी को एल्जेब्रिकली ऐड कर दीजिए तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। यही क्वेश्चन स्क्वायर शेप के लिए भी हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप के लिए भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, तो आप सभी का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालिए, लास्ट में सभी को एल्जेब्रिकली ऐड कर दीजिए तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल अपना यहीं पे खत्म होता है।